वेलकम टू बायलॉ एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2B के अंतर्गत जो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है एंड एक्सेप्टेंस के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर सीरीज़ में आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रपोजल या ऑफर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिटेल में हमने सारे प्रोविजंस वहाँ पर कवर किए थे और आज हम एक्सेप्टेंस को कवर कर रहे हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और जब किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, राइट। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बिकम्स प्रॉमिस। और एक्सेप्टेंस जो होता है उसका क्या मतलब होता है? सेक्शन 2B बोलता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जिस पर्सन को प्रपोजल किया जा रहा है वो पर्सन उस प्रपोजल के प्रति अपनी जो अनुमति है, एसेंट है, उसको सिग्निफाई कर देता है। कहने का मतलब ये है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला पर्सन जब अपनी इच्छा उसको एक्सेप्ट करने के लिए जाहिर कर देता है तो ऐसा ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। और जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। यहाँ 2B के अंतर्गत ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन किसी भी प्रपोजल के एक्सेप्टेड होने के लिए और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू केस लॉ। देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट बीइंग कम्युनिकेटेड नो एक्सेप्टेंस कैन टेक प्लेस, राइट। फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडले का ये केस है, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि प्लेंटिफ अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को एक लेटर लिख के प्रपोजल भेजता है। क्या प्रपोजल भेजता है कि प्लेंटिफ नेफ्यू का एक हॉर्स है, घोड़ा है, ठीक है, जिसको 30.15 पाउंड में खरीदना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर प्लेंटिफ प्रपोजल कर रहा है और जो उसका नेफ्यू है जिसका कि वो हॉर्स है वो क्या करता है, वो अपने ऑक्शनियर को जो कि घोड़े को बेचना चाह रहा है, ठीक है, जो कि घोड़े का ऑक्शन करेगा, अपने ऑक्शनियर को ये बोल देता है कि वो जो घोड़े को बेच रहा है उसको अभी ना बेचे, अभी उसको रिजर्व रख ले, क्योंकि उसके जो अंकल हैं, प्लेंटिफ हैं, ठीक है, वो इस घोड़े को खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर नेफ्यू ने अपने अंकल यानी कि प्लेंटिफ के ऑफर का रिप्लाई नहीं किया है, उसने सिंपली ऑक्शनियर को बोल दिया है कि घोड़े को रिजर्व रख ले, लेकिन ऑक्शनियर जो है वो क्या करता है, घोड़े को बेच देता है। जब घोड़े को बेच देता है तो अंकल, नेफ्यू का अंकल यानी कि प्लेंटिफ उस ऑक्शनियर के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक सिविल सूट फाइल करता है, ठीक है। तो जो डिफेंडेंट है वो ये आर्ग्यू करता है कि ये तो एक वैलिड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रपोजल यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं था। क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ था? क्योंकि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किया ही नहीं गया। तो कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि जब प्रपोजल का, जब ऑफर का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, राइट। तो फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडले के केस में ये डिसाइड किया गया कि किसी भी प्रपोजल के एक्सेप्टेंस होने के लिए, किसी भी प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी होता है, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे एलिमेंट पर। ऑफरर कैनॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्यूज, राइट। देखो, ये जो फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडले का केस है इसमें एक बात और थी। यहाँ पर जो प्लेंटिफ है, ठीक है, यानी कि जो नेफ्यू का अंकल है, वो एक कंडीशन उस लेटर में मेंशन कर देता है। वो कंडीशन क्या है कि अगर उसका नेफ्यू
ठीक है, रिफ्यूज़ नहीं करता है, अगर उसका रिफ्यू कोई रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है, तो उसका अंकल ये मान लेगा कि नेफ्यू इज़ एग्री टू सेल हिज हॉर्स, ठीक है, टू हिज अंकल। तो यहाँ पर अंकल ने, यानी कि प्लेंटिफ ने नेफ्यू के ऊपर एक ऑब्लिगेशन जो है क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया है कि या तो वो उसको क्लियरली एक्सेप्ट करे, ठीक है, या फिर उसको रिफ्यूज़ करे। तो यहाँ पर ये तो एक ऑब्लिगेशन हो गया, राइट, एक्सेप्टेंस करने वाले पर्सन के लिए, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको क्लियर कट रिफ्यूज़ करे। अगर वो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि क्लियरली उसको रिफ्यूज़ करेगा तभी वो रिफ्यूज़ होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन और होती है, फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले में ये भी बोला गया कि जो उसके अंकल ने, ठीक है, प्लेंटिफ ने जो ये कंडीशन डाली थी कि अगर नेफ्यू क्लियरली डिनाई नहीं करेगा, रिफ्यूज़ नहीं करेगा, तो प्लेंटिफ ये मान लेगा कि नेफ्यू उसको बेचने के लिए, घोड़े को बेचने के लिए एग्री हो गया है। तो एक कंडीशन और होती है कि ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्यूज, राइट। इसके बाद अगली कंडीशन हम लोग आते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय द पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्टेंस, हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, यानी कि ऑफर करने वाला कोई पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है और जो दूसरा पर्सन है वो उसके ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी कौन देगा, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस को जो कम्युनिकेट करेगा वो पर्सन करेगा जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर वो पर्सन करेगा जिसको ऑथराइज किया गया है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को ऑफर करता है तो बी यहाँ पर ऑफर को एक्सेप्ट करने का कम्युनिकेशन या तो खुद करेगा या फिर वो किसी अदर पर्सन को ऑथराइज करेगा कि वो अदर पर्सन बी के बिहाफ पर ए को एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर दे। अब मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन जेड हु इज़ नॉट कनेक्टेड विथ बी और ना ही बी ने जेड को ऑथराइज किया है कम्युनिकेट करने के लिए, और जेड अगर ए को कम्युनिकेट कर देता है कि बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जेड के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि जेड कम्युनिकेट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, उस पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए हु इज़ एम्पावर्ड टू कम्युनिकेट और हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द एक्सेप्टर, राइट। पावेल वर्सेस ली का एक केस है, यहाँ पर क्या होता है कि प्लेंटिफ सिलेक्शन कमेटी के सामने अपीयर होता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और सिलेक्शन कमेटी क्या करता है, सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर प्लेंटिफ को ये कम्युनिकेट कर देता है कि सिलेक्शन कमेटी हैज़ फाइनलाइज्ड योर सिलेक्शन, राइट। लेकिन बाद में क्या होता है, सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन बदल जाता है और सिलेक्शन कमेटी प्लेंटिफ को रिजेक्ट कर देता है। जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो प्लेंटिफ क्या करता है, सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट, उस कॉलेज के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि सिलेक्शन कमेटी के जिस पर्सन ने कम्युनिकेशन किया था वो ऑथराइज नहीं था, ठीक है, यानी कि ऑथराइज पर्सन के द्वारा जब तक कम्युनिकेशन नहीं कर दिया जाता है तब तक ऑफर एक्सेप्टेड नहीं माना जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन मे बी वेव्ड बाय द ऑफरर, यानी कि एक पर्सन जो कि ओपनली ऑफर कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ये बोलेगा कि जो व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करे, या ऑफरर एक कंडीशन डाल सकता है कि जो कंडीशंस डाली गई हैं अगर उन कंडीशन को फुलफिल कर दिया जाता है, ठीक है, तो फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस विल बी अमाउंट टू एक्सेप्टेंस,
तो ऐसी स्थिति में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं होता है। जो कंडीशंस लगाई गई हैं ऑफरर के द्वारा, अगर उन कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाता है तो ऐसा ऑफर एक्सेप्टेड माना जाता है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी, इसमें यही हुआ था, जो कंपनी है वो एक जनरल ऑफर करती है, ठीक है, क्या करती है कि इस फिल्टर को यूज़ करने के बाद किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर एक प्लेंटिफ है, वो उस फिल्टर को यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद उसको वो प्रॉब्लम होती है इन्फ्लुएंजा की, ठीक है, तो वो कंपनी के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल करता है कॉम्पेंसेशन के लिए। जब सिविल सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट ये आर्ग्यू करता है कि एक्सेप्टेंस तो यहाँ पर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर ऑफरर ने ऑफर किया और पर्सन जिसने कंडीशन को फुलफिल किया है, जिसको फिल्टर यूज़ करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम हुई है, उसने तो ऑफरर को इस बात की सूचना ही नहीं दी कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जहाँ पर कंडीशंस लगा दी जाती हैं, जहाँ पर ऑफरर ये कंडीशन लगा देता है कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला पर्सन, ठीक है, इस पूरे एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले पर्सन को या कंडीशन को परफॉर्म करने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करना मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑफरर है वो कम्युनिकेशन को वेव करने का, कम्युनिकेशन को त्यागने का अधिकार भी रखता है और कंडीशंस लगा के कम्युनिकेशन को वेव किया जा सकता है। इसके बाद इसकी लास्ट एक कंडीशन है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द ऑफर, राइट। सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 का क्लॉज 1, इसमें ये बोला गया है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए बी को ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है कि मैं अपनी लैंड 1000 रुपीस में सेल करना चाहता हूँ। बी रिवर्ट करता है कि नहीं, मैं इसको 950 रुपीस में खरीदूंगा, 1000 में नहीं खरीदूंगा, ठीक है। और फिर ए क्या करता है, इसको डिनाई कर देता है और बाद में बी क्या करता है, एग्री कर लेता है कि ठीक है मैं 1000 रुपये में खरीदने के लिए एग्री हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए का जो ओरिजिनल ऑफर है बी को कि वो 1000 रुपये में अपनी लैंड बेच रहा है, वहाँ पर बी ने क्या किया, एक काउंटर ऑफर कर दिया कि नहीं हम 1000 में नहीं 950 रुपये में खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट है ही नहीं, राइट। जबकि कंडीशन क्या है यहाँ पर कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइडे वर्सेस रेंज में यही हुआ था, डिफेंडेंट ने अपनी लैंड को बेचने के लिए ऑफर किया 1000 पाउंड में, ठीक है, लेकिन प्लेंटिफ क्या करता है, उसको काउंटर ऑफर कर देता है कि हम 950 पाउंड में खरीदेंगे, तो डिफेंडेंट बाद में मना कर देता है और फिर जो प्लेंटिफ है वो अगेन एग्री हो जाता है कि ठीक है हम 1000 पाउंड में खरीदेंगे। लेकिन जो एग्री हो रहा है वो तो बाद में हो रहा है ना, उससे पहले तो वो क्या कर चुका है, काउंटर ऑफर कर चुका है, यानी कि उसका जो एक्सेप्टेंस है वो एक कंप्लीट एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसके ऑफर को एक्सेप्ट हुआ नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्टेंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्टेंस से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, कंडीशंस हैं, उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और आगे के जो भी प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत अच्छे वीडियोस हम लोग अपडेट कर रहे हैं और टॉपिक वाइज सीरीज वाइज हम लोग सारे के सारे वीडियोस, ठीक है, सभी एक्ट पर, सभी सब्जेक्ट्स पर जो कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आते हैं और जो कि कई एग्जाम में भी आते हैं, उन पर हम लोग लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो अपडेशन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।